2000 से 2500। साला समझ नहीं आता, करे तो करे क्या। हम सन्नी बाजी अरे ये देख गाइस, डे सेकंड एंड अगेन हम फिर से करोल बाग जा रहे हैं, बिकॉज कल जिस काम से गए थे हमारा काम हो नहीं पाया था। सो आज फिर से हमें करोल बाग के दर्शन करने पड़ेंगे। कोई सीन क्रिएट हो गया था, आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कल क्या हुआ था, बाकी आप वीडियो देखें आपको आगे पता लग जाएगा किस काम से गए थे एंड क्या सीन क्रिएट हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखते रहे, बने रहे व्लॉग में। अगेन मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, फिर मेट्रो पकड़ेंगे, फिर मेट्रो से जाएंगे। साला अपनी लाइफ में तो कुछ रह ही नहीं गया, सिर्फ काम 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 से, कभी मेट्रो से यहाँ, कभी वहाँ, कभी गाड़ी से, कभी कुछ। साला समझ नहीं आता, करे तो करे क्या हम। चलो जो है अच्छा है, कुछ तो कर ही रहे, देखते हैं अब। मेट्रो पार्किंग तो पहुँच गए, गाड़ी भी पार्क करी जाए। यहाँ गार्ड भी देख करके यार डेली सेम टाइम पे बंदा आ रहा, क्या बात है, ऐसा क्या है, इसी टाइम आता है डेली। यार दूसरा दिन है, बोलना तो चाहिए कोई डेली तो आया नहीं, सेकंड डे है। लेट्स सी, पर्चे देना भैया। किधर लगा दे, यहीं पे सेंट्रो के साइड में। भाई मेट्रो स्टेशन तो पहुंच गए, बट मेट्रो के अंदर जाके वीडियो नहीं बनानी, मेट्रो में प्रोवाइडेड है, स्टेशन पे अलावा मेट्रो के अंदर प्रोवाइडेड है। सो लेट्स सी, आपको सीधा लोकेशन पे पहुंच के दिखाते हैं क्या है आगे, क्या काम है, क्या चल रहा है। ओके बड़ी अच्छी अच्छी जगह है घूमने की, मैं नाम नहीं लूंगा ना बोलूंगा, आप लोग बस देख लो, कोई आना चाहे आ सकता है। पर लड़कियों के लिए शॉपिंग की जगह, लड़कों के लिए भी शॉपिंग की जगह, घूमने की सब कुछ इक्वल है, कुछ अलग नहीं है। भाई गफार की तरफ जाने लग रहा है मेट्रो स्टेशन, ये अपने भाई ने पिक कर लिया हमें, अब देखो जैसे पहुंच जाए। कोई बात नहीं यार, इसी के आने के बहाने अपने को लिफ्ट मिल गई, पैदल चलने से भी बच गए, रिक्शे किराए भी बच गया, सब बच गया। कल तो भाई पैदल चल चल के बहुत थक गए थे, मैं आज ये आ गया, थोड़ा पैसा भी बचा है, पैर चलना भी बचा है पैदल। कैमरा शांत हो रहा है, अभी स्कूटी से उतर जाएगा फिर बात कराते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग सोचेंगे ये शांत वाला इंसान है। गाइस ये हैं सलमान भाई, अपने सलमान खान वाले भाई, मैं समझना सलमान भाई है, सिर्फ कम नहीं है सलमान खान भाई से। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। एंड ये रियलमी 8 का अपना 4G 8128 है ना, 8128 इसका मदरबोर्ड चेंज करा अभी, मदरबोर्ड डिफेक्टेड था। बाकी इसके बारे में और भी आपको यहाँ पे आना हो, एड्रेस वगैरह कुछ बता दो। नफार मार्केट 176 नंबर। एंड रेट वगैरह आप आइएगा, जो भी होगा सही लगाया जाएगा, अपने वो भी रेट सही लगाया, बस डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो भी है। हाथों हाथ रिपेयर होके मिलेगा। देखिए मदरबोर्ड का काम भी आपको इसमें मैंने करवाया है, मुझे हाथों हाथ मिल गया ये रिपेयर होके, बस मुझे आज आना पड़ा था, वो मेरी गलती थी, थोड़ा काम रह गया था मेरा कुछ, तो मुझे आज दोबारा से आना पड़ा। बाकी आपका नंबर वगैरह कुछ बता दो, 176 शॉप नंबर। ओके ओके थैंक यू भैया। ये खड़ा बंदू अपना, आजकल बंदे मेरे से डरने लग गए, क्या कहते हैं अंकित से बात नहीं करनी, अंकित कैमरे वाला है, बात नहीं करनी, रिकॉर्ड कर लेगा वो। भाई भी कह रहा कि भाई पहले कह रहे मैं तो मना करेगा, फिर रिकॉर्ड करने में भाई साहब फुल सपोर्ट दिया, मैं ठीक है रेट डिस्क्लोज नहीं करा। भाई साहब मेट्रो की पार्किंग की बड़ी ख़राब फैसिलिटी है, इन्होंने गाड़ी खड़ी करी है, कार में सेंटर लॉकिंग है और चाबी कार में रख दी, कह रहे शीशे खोल के छोड़ दिया।
किस बात की पार्किंग है, किस बात की सिक्योरिटी वाला वो है यहाँ पे, पता नहीं मेट्रो वाले कर क्या रहे हैं। ये मतलब NDMC की पार्किंग है, उसमें भी इतना वो खड़ी भाई सब गाड़ी, शीशा ऐसे खुला छोड़ दिया, चाबी अंदर छोड़ दिया, फ्री में थोड़ी लगाई जा रही है भाई। पता नहीं क्या चक्कर है, ये साला इन्होंने यहाँ पे ऐसा लगा के छोड़ दी। अब आप लोग एक बात बताओ यार, 1% गाड़ी में कुछ सामान वगैरह, चलो कुछ भी नहीं था इस टाइम होता, ये लोग ऐसे किसी की गाड़ी छोड़ दें, कोई सामान चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, किसका रिस्क होगा? पार्किंग में बंदा गाड़ी क्यों लगाता है? हम लोग पार्किंग में गाड़ी इसलिए लगाते हैं गाइस कि गाड़ी सेफ रहे, ये लोग ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, ये गलत बात है। इनसे बात करते हैं अभी एंट्री गेट पे भाई, पर्ची दे दी, पैसे भी हो गए। एक बात बताओ यार, यहाँ पे पार्किंग में बंदा सेफ के लिए खड़ा करता है, किस लिए खड़ा करता है? आप लोगों ने चाबी लगा के ऐसा छोड़ रखा है, गाड़ी में लगाई जाती है गाड़ी यहाँ पे? चाबी कहाँ पे है? चाबी यहाँ पे लगा के छोड़ रखी है, शीशा खुला हुआ था, पार्किंग में बंदा क्यों लगाता है गाड़ी? अरे यहाँ पे ना, यहाँ इसके अंदर रखी थी वाइजर में। सर पर इसमें ये भी तो है, बाई चांस कोई बंदा यहाँ पे पैदल आने जाने वाला है, सामान पड़ा हो किसी का, निकाल ले जाए, कोई नहीं आते सर, कोई नहीं आता यहाँ पे, और कोई पार्किंग में इतने वैसे बिल्कुल केवल पार्किंग में ले जाएंगे भाई, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ये बंदे जा रहे हैं, कोई बाइक वाला ही इधर उधर किसी की नजर पड़े, सामान से वो निकाल ले कुछ, उनका है ही नहीं ना उसमें जाएंगे बाइक वाले क्या करेंगे भाई? पता नहीं क्या सिस्टम है, पार्किंग तो सेफ के लिए ही होता है, ऐसे तो सेफ है गाड़ी, सेफ है ना अंदर, सामान तो सेफ नहीं है मेरे भाई। सामान तो इसमें आपको कौन कर रहा हूँ, आप वीडियो कह रहा हूँ ना, गाड़ी में हमारा भाई। एक बात बताओ, बताइए। हाँ आ जाओ, आपका नाम क्या है, नाम बताइए अपना नाम। मनोज जी, मनोज नाम है ना। हाँ जी। पार्किंग में बंदा सेफ के लगा लगाता है, गाड़ी लगा के जाता है, गाड़ी चाबी अपने साथ बंदा ले जाता है, आप लोग चाबी ले रहे हैं तो आपका रिस्क बनता है, आपका हेडेक बनता है, किसका बनता है बताइए? मैं कह रहा हूँ गाड़ी सेफ नहीं है, गाड़ी के अंदर से मेरा सिस्टम चोरी हुआ, आप बताओ कुछ चोरी हो, एक मिनट रुक जा, सामान नहीं रखा गाड़ी में, सिस्टम लगा चोरी हो गया फिर गाड़ी में, कह रहा हूँ पर्स वर्स तुम कह रहे हो ना? नहीं पर्स क्यों? अरे सुन मेरी बात, गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब है, एम्प है, मैं कह रहा हूँ एम्प चोरी हो, कौन जिम्मेदार है? अरे भैया इसमें नहीं होती है ऐसा, यहाँ पे कोई पार्किंग में चोर नहीं होता है। अरे पार्किंग भाई, पार्किंग में रूल दिखा दो, कहाँ पे रूल है कि शीशा खुल, मुंह पे लिखा तू चोर नहीं है मेरी गाड़ी में चोरी हो, अगर आप लोग चाबी, अगर आप लोग चाबी ले रहे हैं, चाबी ले रहे हैं तो चाबी यहाँ पे आपको अपने पास रखनी चाहिए, ना कि गाड़ी में रखें एंड विंडोज डाउन करके रखें आप लोग। ड्राइवर उसी में रहता है घूमते हुए, समझ गए ना? अभी ऐसा नहीं ऐसे बाई चांस अभी कुछ हुआ नहीं मेरे भाई, 1% कोई बात हो जाए, चल सामान ना हो गाड़ी में, सिस्टम वगैरह लग रहा है, कुछ ना कुछ काम हो जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारी अटक होगी किसकी होगी? तुम तो बोलोगे भाई हम क्या करें, तो यहाँ ही होगा, पार्किंग में लगी होगा जब सामान भाई, इस चीज का ध्यान रखा करो तुम लोग। गाड़ी में एक्सेसरीज लगे हैं, स्क्रीन लगी हुई है, एम्पलीफायर है, वूफर्स हैं, 1% वो चोरी हो जाए या कुछ हो जाए फिर क्या करेंगे ये लोग? पहले ये मना कर रहा था कि आपको सामान नहीं छोड़ो, ये वो हमारी हेडेक है, फिर कह रहा कुछ चोरी हो जाए तो हमारी हेडेक है, वीडियो बन रही है तो कह रहा वीडियो बना रहे हैं, ये सही है। चलो भाई वहाँ का मैटर निपट गया, भाई अपना गाड़ी लेकर जा रहा है, भाई ने कहा कि आज से ये गाड़ी मेरी, शाम को मिलते हैं भाई। स्कूटी चला रहे, स्कूटी के भी मजे लेने चाहिए। दीपक भाई को कहीं जाना था अर्जेंट काम से, एंड उसकी वाली गाड़ी कुछ टाइम पहले दिक्कत हो गई, कुछ आगे आपको बताया जाएगा, कभी टाइम मिला तो जरूर बताएंगे, दीपक भाई बताएगा। तो वो मेरी वाली गाड़ी लेकर गया इस टाइम, एंड उसकी स्कूटी मेरे पास है। चलो फिर स्कूटी के मजे लेते भाई थोड़ी देर, और क्या करा जाएगा भाई साहब। बड़े टाइम बाद हमारे खास डॉक्टर अंकल मिल गए, और अंकल क्या हालचाल, गंजे डॉक्टर अंकल आप बोलो ना। गाइस ये कल वाले जो वो निकाल रहे थे पाइप से, ये अपने डॉक्टर अंकल सबसे पुराने हैं, बहुत बढ़िया बंदे, ये पाजी से बढ़िया बंदा वो है जो आप देखो ध्यान से। अरे उसी ट्रेन में देखो ना, एक लाल वाला आया ठुका हुआ। पाजी कुछ कहना चाहोगे मेरे से, कुछ सुनना भी चाहोगे? अरे पाजी क्यों गुस्से में हो रहे हो यार, गर्मी हो रही है, गर्म हो रहे हो यार, तुम तो दिमाग ठंडा रखो, मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ भाई।
भाई आपका काम बोलो बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैंने कुछ बोले अंकल जी ने बता दिया सही, तेल निकालने वाला। गाइस दोनों भाइयों की मेहनत देखो, सुबह से काम में लगे हुए हैं। ये लाल और सफेद टी शर्ट वाले को बोल सकते हो सुबह से काम पे, ये वाला डॉक्टर लगा, ये तो लेट आया था बंदा, ये तो आता भी नहीं है, ये कभी कभी आता है सिर्फ दर्शन देने के लिए, वैसे नहीं आता ये बंदा। देखो भाई लोगों को अब टाइम मिला खाना खाने का, बाकी किसी को सर्विस वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट हो, इंसान की सर्विस तो ये लोग कर नहीं पाते, इंसानी डॉक्टर नहीं है, गाड़ी के डॉक्टर हैं बहुत बड़े बड़े। ये भाई हमारे टाटा से हैं, ये भाई हमारे, तुम कौन से उससे हो, मदर डेरी। भाई मदर डेरी ब्रांड से, भाई पहले मारुति में काम करते थे, ये भाई पहले टाटा में करते थे। ये एसी स्पेशलिस्ट हैं, ये ऑलराउंडर बोल लो, स्पेशलिस्ट थोड़ा बहुत बोल लो इन्हें, पर काम बढ़िया करता है बंदा। बाकी इन दोनों से कुछ वार्तालाप करवाते हैं आपकी। ये हमारा भाई थोड़ा सा काला दिख रहा है, काला नहीं है बहुत गोरा है, पूरे दिन गाड़ियों के नीचे लेटता ही है, डॉक्टर साहब है क्या करें, गाड़ियों के डॉक्टर हैं तो थोड़ा वैसे कपड़े वैसे हो गए, कहीं आप लोग सोचो कि काले हैं, ना काले हैं बस गाड़ियों का काम करते तो हो जाता है। और हाँ इन भाई को तो जानते हो, दिन में आपको वीडियो क्लिप में देख लेना, वीडियो में देखने में मिलेगा, अंकल जी ने भी ध्यान दिलवाया था जो पाइप से तेल निकाल रहे थे वो वाले। पाजी मैं भी आ रहा हूं। सन्नी पाजी यूं आया, यूं गया, यूं आया। अरे ये देखो भाई लोग क्या करते रहते। चलो इस भाई का नंबर मैं डाल दूंगा, किसी को गाड़ी सर्विस करवानी हो, कुछ हो, एसी का काम, एसी के काम के लिए मस्ट रिकमेंडेड है, जरूर आए भाई के पास, एक नंबर का काम करता है भाई। एसी सर्विसिंग वगैरह के चार्जेस क्या हैं बताइए, पहले अपना नाम बताओ आप। मेरा विष्णु। विष्णु नाम है, एंड आप इसी दुकान पे मिलोगे या स्पेशली फोन करके आना पड़ेगा? मेरे तीन दुकान है। तीन दुकान है, चलिए ठीक है। तो अपना बताइए, नॉर्मल गाड़ियों में जैसे आजकल नॉर्मल गाड़ियां हैं भाई, i20 स्विफ्ट वगैरह, इन सब में अगर नॉर्मल एसी की सर्विस हो कितने में सर्विस हो जाती है? 1200। चलिए ठीक है 1200 सर्विस में, उसमें आप 1200 में फिर आप गैस वगैरह भी डालते हैं या क्या? पूरी गैस डालेंगे, एसी सर्विस करेंगे, पूरी सर्विस 1200 रुपए में, चलिए ठीक है। और बाकी नॉर्मल वैसे कार सर्विसिंग वगैरह का? नॉर्मल कार सर्विसिंग, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सर्विसिंग में होता क्या भाई, आपको भी पता यार। 2000 से 2500। सामान के साथ, बिना सामान के? सामान के साथ। सामान के साथ। चलो भाई विष्णु भाई अपने इन्होंने बता दिया 2000 से 2500 रुपए में गाड़ी, जो अपनी नॉर्मल गाड़ियां होती है वैगनर, i20, स्विफ्ट, i10 टाइप, इनकी सर्विस 2 से 2500 रुपए में हो जाएगी, लेबर इंक्लूडेड है उसी में। सर्विसिंग का आपको बता दिया, किसी को एसी की सर्विस करवानी हो 1200 रुपए है, बाकी आप लोग आएंगे और कोई काम होगा नॉर्मल सर्विस भी करवाओगे एसी की भी करवाओगे 100-200 रुपए भाई कसम नहीं खाते, वो काम वगैरह जैसे होता है उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, उसकी आप चिंता छोड़ो। बाकी भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भाई को कॉन्टैक्ट करिए, जिसे भी आना फ़ोन करिए, काम A1 होता है बिल्कुल। बाकी आपको मैं डेमो भी दिखाऊंगा भाई का काम का, किसी ना किसी गाड़ी में अभी होएगा, एक दो दिन में फिर आपको दिखाया जाएगा।